and has Young's modulus Y. Or capacitance of the capacitor is C0 or if applied potential difference is nearly zero, right? So agar, ab, at higher potentials the attractive force between the pl plates compresses the dielectric by a small amount and reduces the gap between the plates. right So we so, have so change in K change in capacitance when the battery or V volt is connected across it. और एज्यूम करने को कह रहा है कि जो कैन चेंज इन के होगा ना दैट इज दल्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैन बी नेग्लेक्टेड ड्यू टू कंप्रेशन इन द डायल्ट्रिक ठीक है सो इस केस में हम जानते हैं ना कि हम सो नाउ इनिशियली हमारा है ना कि हमारे पास कैपेसिटर है ठीक है इसका कैपेसिटेंस सी नॉट था ठीक है अब हम डायल डाल दिए इसके सीन था राइट डल्टर डालने के बाद तो इनिशियली सी तभी था जब

दिस इज इक्वल टू क्या के एफ सैन नॉट ए बाई वन बाई डी माइनस एक्स है ना माइनस वन बाई डी राइट सो हम कह सकते हैं कि अगर हम डी कॉमन लेते हैं के एफ सैनल नॉट ए डी तो वन बाई वन माइनस एक्स बाई डी लिख सकते हैं इसको माइनस वन राइट सो के एफ सैन नॉट ए बाई डी और इसको हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स बाई डी के पावर माइनस वन राइट माइनस वन यहाँ पे जैसे कि जानते हैं कि एक्स इज़ वेरी स्मॉल राइट एक्स इज वेरी स्मॉल सो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको हम लिख सकते हैं क्या कि के एफ सैनल नॉट ए डी वन माइनस माइनस वन टू एक्स बाई डी माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन इट्स कैंसल्ड और ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया सो बराबर के एफ सैन नॉट ए इंटू एक्स बाई डी राइट सो हम इसको कह सकते हैं ना कि हमारे पास सो बेसिकली यहाँ पर डी स्क्वायर होगा राइट क्योंकि हमने डी कॉमन लिया था ना तो अगर से फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर ऊपर नीचे डी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे डी स्क्वायर हुआ होगा राइट क्योंकि अगर हम डी बाई डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं राइट देख सकते हैं तो यहाँ पे डी स्क्वायर होगा यहाँ भी डी स्क्वायर होगा ठीक है सो यहाँ भी हमारा डी स्क्वायर ही होगा ठीक है तो यहाँ भी डी स्क्वायर डी डी गेट्स कैंसिल हमारा डी यहाँ बचा के एफ सैन नॉट ए एक्स बाई डी राइट सो तो डी डी ये कैंसिल होगा, हमारा डी स्क्वायर बचा ठीक है सो इट इज़ इक्वल टू के एफ सैनल एफ सैनल नॉट ए बाई डी एक्स बाई डी ठीक है तो सुन क्या लिख सकते हैं C X by D, तो सी नॉट एक्स बाई डी तो हमारा C कैसे इस तरह के फॉर्म में चेंज हो रहा है राइट सो so, अब और एक और हम जैसा जानते हैं कि ये कैपेसिटर है ना कैपेसिटर है दो पैरल प्लेट कैपेसिटर ठीक है तो फोर्स बिटवीन द पैरल प्लेट्स क्या होता है फिजिकल टू क्यू स्क्वायर बाई टू एफ सन एंड नॉट ये हमारा फोर्स बिटवीन द पैरल प्लेट कैपेसिटर होता है राइट सो so, अब इस जगह पे हम फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्यू कितना होगा अगर इसे डायरेक्ट्रिक मीडियम डाले गए थे तो हमारा क्यू कितना होगा तो था क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट है ना सो दिस इज इक्वल टू सी नॉट वी है ना मतलब इनिशियली अगर डायरेक्ट्रिक रख रहे थे ठीक है अब पोटेंशियल डाले तो दिस इज नेगेजिबल चेंज बिकॉज एक्स इज़ वेरी स्मॉल राइट सो हम कह सकते हैं क्यू चार्ज कैन बी इक्वल टू सी नॉट वी राइट तो सी नॉट वी इंटू इंटरव्यू हो गया ठीक है तो अब इस जगह पे इसको एफ रखेंगे है, राइट तो सी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एफ सैन एंड नॉट ये हो गया मेरा फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए होंगे ठीक है सो तो अब स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस हमारा एफ बाई ए होता है तो स्ट्रेस ऑन द डायरेक्टर कितना लग गया होगा तो सी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर एफ सैन एन नॉट ठीक है ये स्ट्रेस हो गया और हमारा स्ट्रेन कितना है स्ट्रेन इज एक्स बाई डी ठीक है एक्स बाई डी इज इक्वल टू कितना डेल सी बाई सी नॉट राइट तो हम जैसे कि जानते हैं कि आपको स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडलस इंटू स्ट्रेन होता है हमारे पास ठीक है तो हम स्ट्रेस की जगह पे हम लिखेंगे सी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर एफ सेन नॉट ठीक है इनटू कामा इनटू स्ट्रेन क्या है एक्स बाई डी दर्डल सी बाई सी नॉट ठीक है सो हम देखेंगे तो हमसे पूछा गया था ना चेंज इन कैपेसिटेंस सो डेल सी इज वॉट सी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर 2 a एक्वायर एफ सैन नॉट है ना? c ऊपर में जाएगा इंटू c नॉट बाई गा ठीक है सो हमारे पास यही पूछा था जाने की फाइन द चीनी बैटरी है हमारा आंसर अगर हम करेंगे तो c नॉट क्यूब v स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर एफ सैन एन नॉट ठीक है ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ सौ पर